हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आपने लास्ट टाइम वाली वीडियो अच्छे से देख ली हो और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 रीड करिए, क्या कहता है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किसमें, 2:2:1 रेशियो में। फिक्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर वर दिस। पार्टनर के फिक्स कैपिटल दे रखी है, इसे भी बॉक्स में डाल लो। रीजन बताऊंगा क्यों। फिक्स कैपिटल कितनी कितनी है, 5 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। जेड को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। यहां तक अभी क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है। जरा आगे पढ़िए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। इस लाइन को ध्यान से समझेंगे हम। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। पहले एक वर्ड समझो, डेबिटिंग। डेबिटिंग का मतलब, डेबिटिंग मीन्स डिडक्टिंग या चार्जिंग। मतलब प्रॉफिट जेड की सैलरी डिडक्ट करने के बाद कितने का है, 4 लाख का है। पॉइंट क्लियर हुआ। यानी जेड की सैलरी माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, 4 लाख का। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। ओके, मैं चाहूंगा आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बट ट्राई करें। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा मैं कहता हूं हर बार बच्चा मिस्टेक क्या करता है, वर्ड भूल जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे, है ना। बाय नेट प्रॉफिट कितना, 4 लाख। यही करा होगा, अगर आपने ये करा है तो मिस्टेक कर दिए। क्यों, आइए बेटा यहां लाइन क्या लिखी है, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की सैलरी काट कर, हिंदी में माइनस करके यानी डिडक्ट करके, काट के जेड की सैलरी काट कर कितना प्रॉफिट है, 4 लाख। अब कॉमन सेंस से सोच के बताओ, जेड की सैलरी आती कहां है, पार्टनर की सैलरी हम कहां डालते हैं, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यू विल से सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, राइट। अब बेटा एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट में से पहले ही जेड की सैलरी माइनस कर दी तो क्या यहां पर मैं जेड की सैलरी शो करूंगा। सोचो, अगर इसमें से पहले ही मैंने माइनस कर दिया, करूंगा नहीं, तो यहां पे करेक्शन करनी होगी। हो सकता है जो मैंने लाइन बोली हो कुछ बच्चों को ना समझ आई हो, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलता हूं, उससे समझ आएगा। पहले तो ये 4 लाख यहां पर नहीं आएगा। दूसरी लैंग्वेज क्या है कि एक्चुअली जो एक्चुअल प्रॉफिट था कुछ और था, वो कह रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और था, उसमें से जेड की सैलरी माइनस करी, उसके बाद 4 लाख बच गए। तो देखो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। सिंपल सी बात है, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख प्लस 24,000, यानी 4 लाख 24,000। हो सकता अभी भी ये पॉइंट कुछ बच्चों को ना समझ आए, तो उसके लिए मैथमेटिकल वे दिखा रहा हूं। अगर मैं मान लो एक्चुअल प्रॉफिट को एक्स बोलू, तो वो कहता है एक्स में से 24,000 माइनस करा, जेड की सैलरी 24 कैसे हुआ, 2,000 पर मंथ है, तो कितना प्रॉफिट बच गया, 4 लाख। अब खुद की कॉमन सेंस से बताओ कितना प्रॉफिट आ जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 4 लाख प्लस 24, तो 4,24,000 आ जाएगा। ये पॉइंट था, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं, तो जेड की सैलरी कितनी हो गई, अब यहां लिख देंगे क्वेश्चन को, 24
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड कितना, 5 लाख का 10% है, तो कितना कितना आ जाएगा, 5 लाख का 10% यानी 50,000 1,25,000 राइट। अब लास्ट में हम क्या लिखते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे राइट। इस बार कैपिटल नहीं लिखूंगा, इस बार लिखूंगा करंट अकाउंट। अब आप सोच रहे हो ऐसे करंट ही क्यों लिखा सर, इसका रीजन यहां पर है। अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में फिक्स कैपिटल को हाईलाइट कराया था, बेटा जब फिक्स कैपिटल आ जाए तब हमने वहां करंट अकाउंट का यूज करना है, क्यों इसका रीजन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी पहले करना सीख लो। तो क्या करेंगे हम, करंट अकाउंट का यूज करेंगे ओके, एक्स वाई जेड आओ देखते कितना प्रॉफिट बच गया, टोटल 4,24,000 माइनस कर दो 24 4 लाख 4 लाख और 2,75,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 2:2:1 में, कितना हो जाएगा 1,10,000 55,000 ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करेंगे।